खबर जनपद सिद्धार्थ नगर के भीमापार से है। बृहस्पतिवार को शहर के भीमापार रेलवे क्रॉसिंग अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इसकी भनक लगते ही आसपास के नागरिकों में नाराजगी बढ़ गई है। मौके पर पहुंचकर विरोध भी जताया है। अब इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को ओवरब्रिज से आवागमन के लिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। क्षेत्रवासियों ने सांसद समेत रेलवे के अधिकारियों से वैकल्पिक व्यवस्था कराने का अनुरोध किया है। रुधौली से ककराहवा राष्ट्रीय राजमार्ग बनने के बाद भीमापार रेलवे क्रॉसिंग से सटे रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज बनाया गया। इसके बनने से रेलवे क्रॉसिंग की उपयोगिता को रेलवे विभाग ने बृहस्पतिवार को खत्म कर दिया। पूर्व में जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर चुका था। अस्थायी रूप से क्रॉसिंग बंद होने पर नगर पालिका परिषद के विस्तारित क्षेत्र में शामिल परसा शायालम, भीमापार रहरा, समरनार, बरूरी, पिपरी, महनगा आदि के नागरिकों को आवागमन के लिए क्रॉसिंग पार कर जाने वाला मार्ग सुलभ था। इस मार्ग पर कई प्रमुख चिकित्सालय और स्कूल भी स्थित हैं। रेलवे फाटक बंद होने से आसपास के नागरिकों समेत जरूरतमंदों को 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ओवरब्रिज से आवागमन करना पड़ेगा। बंद होने की खबर पर लाल आनंद प्रकाश, गगन रोहित मिश्र, मनोज कुमार, कुलदीप कुमार, राधेश्याम फैजल, पवन कुमार, चुनमुन आदि ने विरोध जताया है। सभी ने सांसद समेत रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों से वैकल्पिक व्यवस्था का अनुरोध भी किया है। क्या नाम है आपका, कौन सा पद है और क्या मामला है पूरा? मेरा नाम बबलू श्रीवास्तव है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। और मेरी मांग यह है कि ये अंग्रेजों के समय से, मतलब 107 साल पहले पुरानी रेलवे लाइन है, इस पर रेल का आवागमन होता था, हम लोग इस सड़क पार करके आते जाते हैं। लेकिन इधर जो है रातों रात ये रेलवे प्रशासन ने हम लोगों के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। इतना बड़ा अन्याय इन्होंने बिना नोटिस दिए कैसे रास्ता बंद कर दिए? आपको कम से कम नोटिस देना चाहिए, हम लोगों की अपनी समस्या भी हम लोगों की सुननी चाहिए। आप आए रातों रात खो दे, पूरा गाड़ दिए, लोहा रास्ता बंद करवा दिए, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। बताइए, इस पार गेट के इस पार रेलवे के जो पटरी किनारे दुकानदार भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, इनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। लगभग कितनी जनता इस रोड पर चलती है? कम से कम 10,000 जनता रोज इस रास्ते से आती जाती है। और इसी रोड से हम लोग जिला अस्पताल जाते थे, हम लोग कचहरी जाते थे, कलेक्ट्रेट जाते थे। और हम लोगों का सारा काम, अब हम लोगों को अगर जाना हो तो हम लोग 2 किलोमीटर घूम करके, हम मतलब 2 किलोमीटर की दूरी हम ज़्यादा तय करें तब हम जाके वहाँ पहुँचें। गेट खोलने की आगे की रणनीति क्या है? क्या गेट खोलने के आगे की रणनीति मेरी यही है कि मैं अभी माननीय सांसद जी से बात करूँगा, उनके साथ जा करके मैं रेल मंत्री से भी मिलूँगा, जनरल मैनेजर से भी मिलूँगा रेलवे। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन देंगे, हम लोग ईंट से ईंट बजाएंगे, हम लोग हर स्तर तक उतरेंगे। लेकिन हम लोगों के आने जाने का रास्ता खोला जाए। आपको अगर भारी वाहन आने जाने में दिक्कत हो रही है तो आप भारी वाहन रोक दीजिए, कम से कम छोटा वाहन तो आप आने जाने दें। और क्या मांगे हैं आपको? और हमारी मांग यह है कि ठीक है, अगर आपको सुरक्षा की दृष्टि से ये दिक्कत आ रही कि नहीं हम रेलवे गेट नहीं खोलेंगे, तो आप अंडरपास बना दीजिए हमारे आने जाने का, कुछ तो आप दीजिए। अभी थोड़ी ना कि NH बन गया तो NH से और ओवरब्रिज से और ये सड़क से गेट से तो कोई मतलब है नहीं। NH बन गया तो अब जो हम NH से आवे जाएँ और रेलवे गेट हमारा बंद कर दीजिए, हमारे दरवाजे का रास्ता आप आके बंद कर दीजिए, ये बात थोड़ी ना हुई। इससे सटे कितने गाँव हैं जो प्रभावित होंगे? अरे कम से कम 200 गाँव ऐसे हैं जो डेली जिस पे अपना व्यवसाय करते थे, आने जाने का सारा उनका वो यही मेन रास्ता। 50 गाँव हैं। कितने स्कूल हैं इस एरिया में जो बच्चे आते हैं? स्कूल है, फिर आगे इंटर कॉलेज है, सारे बच्चे जो है इसी स्कूल इसी रास्ते से आते जाते हैं। अब बताइए कल से स्कूल खुल गया और बच्चे आएंगे, अब बताइए रेलवे लाइन पार करके बच्चा जाएगा तो यहाँ कोई गेट नहीं है। और क्या नाम है, मान लीजिए किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो उसकी जिम्मेदारी क्या रेल प्रशासन लेगी? तो इसमें सरासर दोषी किसको मानते? रेल प्रशासन को मानता हूँ। रेल प्रशासन बिना पेपर में, न्यूज पेपर में कम उनको सूचना देनी चाहिए कि हम इस गेट को बंद करेंगे। भाजपा के एक पदाधिकारी हैं आप, ऐसे में अपने शासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन से मैं कह रहा हूँ कि इसको जो है आप खुलवाइए, शासन की इससे बदनामी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी बदनामी हो रही है। सांसद जी से इस बात को कहा जाएगा, सांसद जी के साथ हम लोग DM से मिलेंगे।